जो हर दम वीडियो बनाते हैं। एक गोली आएगा बर्दाश्त के गोली, कभी खाली नहीं रह जाता। तो ये है हमारी भांजी जो हमारे लिए देखी कितने प्यार से दवा दवा लेके आए। अबे घुटने पे लगा है मेरे को। नहीं मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये अगर मैं इसमें से ये निकालूँगा तो इसमें से ना एक कापूस निकलेगा, और ये कापूस कट जाता था या छिल जाता था तो वहाँ पे लगाते थे और इससे ठीक हो जाता था। ये मतलब बहुत पहले जब गांव में थे दादाजी के टाइम पे ये चलता था, क्या पता अभी भी करते हैं कि नहीं। बच्चे आएंगे तो उनसे पूछ के आपको बताता हूँ मैं। सो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस गाड़ी में चल क्या रहा है, और गाड़ी की हालत देख रही यार गजब की हालत है। और इसमें आया ईटा है और यहाँ पे काम सब हो रहा है, टेंट वेंट लग रहा है। और छोटे भाई यहाँ पे आओ, ऊपर देखो छोटे भाई कैसे हो, बहुत शांति बच्चा है। और ईटा है देखो आ गया हीर, तो मस्ती करने वाला लड़का है, देखो कितना मेहनती हो गया है। अमन इतना मेहनत, आज अमन क्या खाएगा, इसके बाद चलो बाजार। हाँ और ये मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे हाथ में यहाँ पे लगा है और इसमें भी लगा है, इसलिए अमन इतना मेहनत कर रहा है। यहाँ पे भी ईटा वीटा लेके आ रहे, वो ईटा जिससे चूल्हा बनेगा। और ये देखो वहाँ भी एक टेंट बना है, यहाँ भी टेंट जो कल है सारा काम। लेकिन अब आपको दिखाते हैं असली देसी, ऐ तेरी तो, अब आपको दिखाते हैं असली देसी स्टाइल यहाँ पे। अरे देखो तो ये देखिए असली देसी तरीका, यहाँ पे निकल रहा है जर्सी गाय का दूध। और ये पहले कितने लीटर दूध दिया, 22 लीटर। मतलब पहले मतलब स्टार्टिंग में जब ये गाय जब बच्चे दे देते हैं उसके बाद 22 लीटर दूध देते हैं, धीरे धीरे कम होता है, अब जाके इसका 8 लीटर हो गया है। फिर भी 8 लीटर बहुत अच्छा खासा है। ओहो और अंदर उधर आ रहा है दूध, एकदम प्योर दूध, बिना पानी मिलावट वाला दूध है ये। तो कितना देर ऐसा करना पड़ेगा 4 किलो निकालने के लिए? अभी ये 7-8 महीना लगेगा, बच्चा जन्म देगी अक्टूबर तक तो जुलाई में खत्म हो जाएगा। अच्छा अक्टूबर में फिर बच्चा देगी तो फिर और ज़्यादा दूध देगी, फिर 22 लीटर शुरू। आज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पैर वेट तो नहीं मारती ना, खाली ये देखो पूछ मारती है बार बार, खाली पूछ। सच्ची कहो तो यार दूध का जो क्वालिटी दिख रहा है यहाँ पे, मतलब A1 क्वालिटी का दूध है। अगर ये दूध भाई सुबह शाम आधा गिलास भी मिल जाए ना यार, पहलवान बनने से कोई रोक नहीं सकता अपने को यहाँ पे। भाई क्या कर रहे थे यहाँ? खतरनाक, ऐसे 10 गाय आ जाए तो भाई बॉम्बे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ भी वापस घर बसा सकते हैं और यहीं रह सकते हैं क्या। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चाकू हथियार दिख रहे हैं, और मैंने बीच में से एक छोटा सा चाकू लिया ये हमेशा मेरे पास रखने के लिए। और आज वापस से मार्केट था तो मार्केट आया, छोटे भाई ने कुछ खाया पिया यहाँ पे, और हमने ये प्यारा सा मतलब एक उंगली कितना ये चाकू है जो हमेशा मेरे पास रहेगा मेरे पॉकेट में, यू नो गांव के कुछ निशानी जो अपने पास हो ये चाकू। मार्केट से आ गए और यहाँ पे टेम्पररी छत बना रहे, क्योंकि अभी जो बहुत सारे लोग घर पे आ गए हैं और जगह का थोड़ा सा जुगाड़ हो नहीं पा रहा है, तो वैसे स्पेस तो बहुत है लेकिन काम हुआ नहीं है। तो ये बना रहे कि सब यहाँ पे रहेंगे, और मुझे लगता है ये जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता कंक्रीट का। बस ये चाय पीते रहिए, काम करते रहिए, सारा काम दम यहाँ पे हो रहा है। और आज है पहला दिन, मतलब पहला नहीं 11वां दिन है, और आज के दिन भी गांव वाले सब आएंगे खाने पीने के लिए। वहाँ पे बड़े चाचा काम पे लग गए हैं, आदमी की कमी नहीं होने दे रहे। और इधर भी हमारे कुछ घर के 2 मस्तीखोर बच्चे यहाँ काम कर रहे, देख के बहुत खुशी हो रही है। इस छोटे से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फाइनली 3 दिन के बाद ये फ्रूटी मेरे पास आई है, इसका नाम फ्रूटी है, और पता नहीं आज कैसे आ गए, अभी भी भागने को
भाग रही है मतलब मुझसे दूर, एक पप्पी दे दो प्लीज, फ्रूटी फ्रूटी फ्रूटी, एक पप्पी एक पप्पी। हाँ तो ये सब हमारे किसी ना किसी भाई की बेटी हो। डैडी का नाम क्या है? देखो इसके एक्सप्रेशन देखो, डैडी का नाम क्या है? मुझे भी मालूम नहीं किस भाई की बेटी है ये, पर है हंस रही है, देख हंस रही है, अरे मुझे मार रही है। बाय टॉम बाय टॉम बाय टॉम बाय टॉम बाय टॉम।